दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो रन की हिस्ट्री होती है आप वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि इस तरह से रन खोलने के बाद ये हिस्ट्री आती है और आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि मैंने कौन कौन सा ऐप्स खोला हुआ है ये किसी और को पता चले। तो आप रन की हिस्ट्री किस तरह से डिलीट करते हैं ध्यान से देखते रहिएगा और आप इस तरह से रन की हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप विंडो R प्रेस करिएगा इस तरह से, यहाँ टाइप करिएगा REGEDIT रेजिडिट, एक बॉक्स खुलेगा और यहाँ ऊपर देखिएगा इस तरह से बहुत सारे सोर्स है, इसको आप डिलीट कर दीजिएगा और यहाँ पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में सोर्स दिया है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा लाकर। एंटर करेंगे इस तरह से पेस्ट हो जाएगा और आप एक बार एंटर प्रेस कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद इस तरह से रन की पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगी। अब देख रहे होंगे यहाँ पे सीरियल से ABCD लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पे MURI लिखा हुआ है उस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा और इसका जो वैल्यू लिखा हुआ है अगर आप यहाँ पे जीरो कर देते हैं तो पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। बट यहाँ विनवर्ड हम रखना चाहते हैं तो C लिख के ओके कर देते हैं और इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब विंडो R प्रेस करिएगा। अब देख रहे होंगे यहाँ से केवल विनवर्ड आ रहा है, बाकी सारी हिस्ट्री आपकी क्लियर हो गई। मैंने दिया अगर आप उस सोर्स तक जाना चाहते हैं तो यहाँ विंडो R प्रेस करें, रेजिडिट टाइप करें, ओके कर दें और यस कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें करंट यूजर पे क्लिक करिएगा। करंट यूजर की लिस्ट में जाके आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे क्लिक करिएगा। सॉफ्टवेयर की लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट आप सर्च कर लीजिएगा, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट आपको मिलेगा। इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिएगा और इसकी लिस्ट में जब जाएंगे तो आपको एक विंडोज ऑप्शन मिलेगा, इसमें पूरी लिस्ट देख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट पे क्लिक करने के बाद आपको विंडोज का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा लिस्ट में। विंडोज के पैन पे जाइएगा, इसमें जाइएगा आप करंट वर्जन पर, इसमें एक एक्सप्लोरर ऑप्शन दिखेगा, एक्सप्लोरर पे जाइएगा आप करंट वर्जन से एक्सप्लोरर। इस पूरी लिस्ट में खोजेंगे तो आपको एक्सप्लोरर मिल जाएगा, यहाँ देख रहे हैं एक्सप्लोरर है। एक्सप्लोरर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे MRU लिस्ट पे जाइएगा, इस पूरी लिस्ट में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे लिस्ट आ जाएगी, तो यहाँ पे आप जितना भी चाहते हैं MRU की लिस्ट भी आप देख रहे होंगे। इस पर डबल क्लिक करके जो मैंने बताया था कि यहाँ जीरो कर देंगे तो ऑल्ट हो जाएगा और अगर आप CD लिखते हैं तो वह डेटा आपका रह जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।